हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मीर अरमान, गुड आफ्टरनून। तो एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आज फिर से संगलदान एरिया। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा मैं संगलदान एरिया में हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही आ जाता है। तो आज मैं वापस जा रहा हूँ रामबन की तरफ। अभी मैं जिस एरिया में होता हूँ ठठार का एरिया है, वहाँ से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट है जो कि मुझे ड्रॉप करेगा संगलदान तक, जहाँ से मैं रामबन की व्हीकल लूँगा। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, आप आगे देख रहे होंगे संगलदान रेलवे स्टेशन जो बन रहा है। मैंने पीछे इस पर एक व्लॉग बनाया भी था। तो अभी हम उसी ओर जाएंगे। तो थोड़ा बहुत इस प्लेस के बारे में एक्सप्लेन हमारे साथ मोहिन है, जो कि इधर लोकल रहने वाले हैं यहीं के, वो करेंगे एक्सप्लेन। सो ये है यहाँ पे हमारे साथ मोहिन। कैसे हो मोहिन? मैं भी बढ़िया हूँ बिल्कुल। तो आप यहाँ के लोकल हो, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे हमारे व्यूवर्स को इस प्लेस के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारा ठठार का हुआ, जो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, जो यहाँ पर ये हमें पढ़ाते हैं सर। और उसके बाद ये हमारा नीचे, उधर से थोड़ा नीचे यहाँ पर हमारा आता है सुरुंडा, एक छोटा सा गाँव है ये भी। सुरुंडा ये बीच वाला है ना? जी जी, ये बीच वाला। और उससे नीचे आगे हमारा अपना संगलदान, जहाँ पर ये रेल स्टेशन बन रहा है यहाँ पर, ये भी अब कुछ ही समय में कंप्लीट होने ही वाला है, दिसंबर एंडिंग तक। हाँ, ऐसी कुछ डेडलाइंस मिल रही हैं कि इस पे जो ट्रॉली रन है, जैसा कि आपने पीछे देखा ही होगा, सुंबड़ तक आ गई है। जो ट्रॉली रन होता है ट्रैक के ऊपर, तो ट्रॉली सुंबड़ तक पहुँच चुकी है। अब सुंबड़ से संगलदान तक हमें जल्दी देखने को मिलेंगी। बाकी जो यहाँ पे एक नाम मैंने सुना है दलवा, वो कहाँ पे है? वो भी यहीं नीचे ही है, ये वाले एरिया में। यहाँ से तो दिखेगा नहीं हमें। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे रुके थे। आपको मैं बताऊँ कि ये जो एरिया है ना, यहाँ टॉप, ये है ठठार का जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है। अभी हम छुट्टी होके वापस आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। मोहिन जो है ड्राइव कर रहे हैं, इनकी कार थोड़ा आगे आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाली लोकेशन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, जहाँ से ये रेलवे स्टेशन संगलदान का व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। तो यहाँ पर रुक के थोड़ा बहुत मुझे मोहिन ने बताया कि कौन सी प्लेस क्या, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, ये लोकल है, इनको ज़्यादा पता है। तो मोहिन चलते हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि मुझे रामबन के लिए व्हीकल भी देखनी है। तो अभी मुझे मोहिन ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे संगलदान में। देखते हैं अब आगे क्या कुछ रहता है, व्लॉग में बनी रहेगा। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। ये कौन सा वाला रोड है मोहिन? ये सुरुंडा वाला। सुरुंडा वाला, तो पहले हम कौन से वाले रोड से जाते थे, जो उस साइड से था? मेन मार्केट संगलदान की तरफ, वो आज बंद था। एक्चुअली आपको मैं बताऊं कि वो जो उस साइड वाला रोड है वो बंद था, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ कैंठा किधर बोलते हैं? कैंठा आगे आने वाला है, मतलब वो आ जाएगा रास्ते में। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त नज़ारा है। अभी हम आगे कहाँ पहुँचेंगे देखते हैं। यहाँ पे ये रोड जो ऊपर की तरफ है, ये बोलनी डाब जाता है, बोलनी डाब की तरफ जाता है, और नीचे वाला जाएगा आगे कैंठा या फिर आगे क्या है दाड़म, और संगलदान भी इसी साइड से, गोल भी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कैंठा। ये वाले रोड जो आप यहां देख रहे हैं ना, इस साइड से रोड एक निकल रही है, यहां से हम आए इस वाले रास्ते से। तो अभी हम ये वाले मेन रोड पे पहुंच चुके हैं, ये इस साइड गोल जाता है। तो हमारे बैक साइड से गूल जा रहा है, हम यहाँ से टर्न होके संगलदान की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ से एक और रोड निकल रही है और ये जा रही है दाड़म। ये चिनार आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कह रहे हैं मोहिन की ये इस रोड से ऊपर होता था, और ये जो रोड है ये नीचे नीचे बैठ रही है। आप देख रहे हो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी कुछ चल ही रहा है, और ये चिनार रोड के नीचे पहुँच गया है, नीचे बहते बहते। इधर नीचे प्लेग्राउंड भी मिल जाएगा आपको। ये पहुँच चुके हैं हम संगलदान के रेलवे स्टेशन के करीब। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये गेट है स्टेशन का, यहाँ से तो उतना अच्छा नहीं आएगा ना। थैंक यू मोहिन फॉर ड्रॉपिंग मी हेयर।
सी यू नेक्स्ट टाइम। तो अभी मोहिन यहाँ से जाएंगे, मुझे इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और मैं रामबन की गाड़ी यहाँ से लेता हूँ। चलो ओके भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। एक दो वीक पहले मैं आपको यहाँ की अपडेट पहले भी दिया हूँ, तो आज मैं यहाँ पे फिर से आया हूँ। आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से यहाँ का जो काम है चल रहा है, और इस तरफ में आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया यहाँ से एंट्रेंस रहेगा इसका, और बाकी जो मेन स्टेशन होगा वो इधर पे ही होगा। तो यहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि सुनने में आया है बहुत जल्दी यहाँ पे ट्रॉलीज का ट्रायल रन होने वाला है इस ये वाले स्टेशन तक सुंबड़ से, क्योंकि सुंबड़ तक तो हो ही चुका है। तो ये है यहाँ का कुछ थोड़ा बहुत अपडेट। मैं अभी देखता हूँ, रामबन की गाड़ी तो है बट उसमें जो पैसेंजर्स है वो अभी कम है, तो हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाते तो निकलते यहाँ से। बाकी यहाँ का अच्छा सा व्लॉग मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो बस चलते चलते थोड़ा बहुत मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो जी फाइनली रामबन पहुंच चुका हूं मैं, और यहां देख सकते हैं आप ये जो प्लेस है ये मेहाड़ रामबन है। अभी मैं यहां जस्ट मैं यहां पे पहुंचा हूं, और आप देख सकते हैं NH 44 पे ट्रैफिक, नीचे आपका चिनाब, और वो जो उस पार का एरिया आप देख रहे हैं ये ततारसू का एरिया है, और यहां पे हमारे बिल्कुल सामने ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलिव होते हैं, और ये जगह का नाम पता नहीं क्या है, मुझे भूल ही गया। रामबन में ये चीज़ फेमस है, ऑलिव्स यहाँ पे प्रोडक्शन होती है इस चीज़ की। ये बिल्कुल आपके सामने, और यहाँ पे बत्ती बोलते हैं, आई थिंक बत्ती नाम है यहाँ का। और अभी मैं जा रहा हूँ घर की, और यहाँ पे वेट कर रहा हूँ व्हीकल का जो कि आने ही वाली है, और हम फिर यहाँ से निकलेंगे। तो इस व्लॉग को आई थिंक मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।